नमस्कार आज हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ठीक है तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं कब हुआ था 400 हंड्रेड बी में 400 सौ बी में हुआ था ठीक है उसके बाद कहता है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वज हेल्ड इन राजगीर इन बिहार यानी पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगीर बिहार में हुआ था और किसके अंडर हुआ था आजार शत्रु के अंदर हुआ था ठीक है और कौन उसके अध्यक्ष थे चेयरपर्सन कौन थे जो तो कौन थे मॉन्क महाकश्यप ठीक तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसाइडेड किसके द्वारा किया गया था तो मोंक महाकश्यप के द्वारा किया गया था अब इसका एजेंडा क्या था तो कहता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिजर्व द टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड द मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड द गाइडलाइंस ऑफ मोंक यानी कहता है कि जो बुद्धिस्ट जो बुद्ध गौतम बुद्ध के जो दिए हुए जितने उपदेश थे टीचिंग थे उसको प्रिजर्व और डिसिप्लिन में रखने के लिए ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं तो अगला फिर इसके बाद ये कब हुआ था ये भी कि जस्ट आफ्टर तो द डेथ ऑफ बुद्धा यानी जब गौतम बुद्ध की जैसी डेथ हुई थी उसके बाद ही ये हुआ था फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट अब सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट देखते हैं तो सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट का था थ्री हंड्रेड एटी थ्री बी सी में हुआ था तीन सौ तिरासी बी सी में हुआ था और ये किसके कहा हुआ था ये आपका हुआ था वैशाली में ठीक और वैशाली में किसके अंडर हुआ था तो काला अशोक के अंडर हुआ था उस समय पे ठीक है और ये जो थे और इनके सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के ये प्रिसाइडेड काउंसिल चेयरपर्सन कौन थे सबा कामी थे ठीक है सबा कामी थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के पहले के कौन थे पहले के आपके थे महाकाश्यप महा थे ठीक है अब आते हैं एजेंडा क्या था तो कहता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज द सेटल द डिसग्रीमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफ रिजन आपसी जो मतभेद हो गया था उसी को सेटल उस डिसग्रीमेंट को सेटल करने के लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए बनाया गया था ठीक है अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहता है 250 हंड्रेड में हुआ था 250 सौ बी में और ये थर्ड बी काउंसिल कहाँ हुआ था पाटलिपुत्रा मगध एम्पायर में यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था पाटलिपुत्र पुराना नाम है अब भी उसको कहते हैं पटना के नाम से जानते हैं ठीक है तो पाटलिपुत्र पा... किसके अंडर हुआ था सम्राट अशोक ठीक अशोक के अंडर हुआ था और थर्ड कौन थे इसके चेयरपर्सन तो क्या कहा, कहा जाता है मोगलीपुट टीशा टीसा यानी मोगलीपुट टीशा टीसा थे इसके तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे ठीक है और इस इनका एजेंडा क्या था एजेंडा था कि द तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टू एनालाइज द डिफरेंट स्कूल ऑफ़ बुद्धिज्म एंड प्यीफाई देम यानी दे, उनको विचार करना था अलग अलग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के अलग अलग जो स्कूल थे विचारधारा थी उनको एनालाइज़ करना था उसको प्योरीफाई करने के लिए आज़ाद करने के लिए ठीक है और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोक ने क्या किया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग जैसे श्रीलंका में बर्मा में मजब म्यांमार के नाम से जाना जाता है वहाँ अपने अपने क्या ग्रुप को भेजा गया था प्रचार के लिए बुद्धिज्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था ठीक है अब देखते हैं फो, फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिली टू एडी में बहत्तर एडी में हुआ था और यह कहा हुआ था कश्मीर में हुआ था कश्मीर में हुआ था किसके अंडर हुआ था कनिष्क कनिष्क के अंदर हुआ था और कौन अध्यक्ष थे इसके तो इसके अध्यक्ष इसमें दो अध्यक्ष थे वसुमेतर और अश्वघोष थे ठीक है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो अध्यक्ष थे वसुमेतर और अश्वघोष ठीक इनका एजेंडा क्या था तो कहता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कॉन्सिल रिकॉन्सिलाइन ऑफ वेरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट स्कूल ऑफ़ थाउट यानी रिकॉन्सिलेशन मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना था डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट जो हो गया था उनमें क्या क्या डिफरेंसेज आ गई थी वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें थोड़ा मनमुटाव आ गया था उनके भी आइडियोलॉजी में तो उसको क्या करना था कॉम्प्रोमाइज करना था इसके लिए करवाया गया था ठीक है अब आपको अगर आप लोग को इसके पी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं अब मैं आपका अपनी प्रोवाइड करा दूँगा चलते हैं बाय बाय थैंक यू